Okay. So today we will start with deviation from the ideal behavior. Deviation from the ideal behavior. Till now we have studied different laws and general gasification and Dalton laws, partial pressures, and some related numericals pertaining to the ideal system. Now, after kinetic molecular theory of gases, now we have to move towards a real system. Real system में क्या है, हमने ये देखना है कि जो हमारा गैसीय system है वो ideal तो exist नहीं करता, ठीक है, ideal तो exist नहीं करता. तो अब हम real system को कैसे study करेंगे? तो real system को study करने के लिए एक relation है, एक factor उन्होंने दिया, इसको हम z से ignore करते हैं और वो होता है PV over RT, ठीक है. इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये फैक्टर है जो कि हमें बताता है कि कब आपका सिस्टम जो है वो आइडियल रहेगा या आइडियल के करीब तरीन होगा और कब आपका सिस्टम जो है वो रियल हो जाएगा, ठीक है. मीन के नॉन आइडियल भी है, मीन के गैस जो है वो कब आइडियल बिहेव करेगी और कब जो है वो नॉन आइडियल बिहेव करेगी. क्या कोई गैस आइडियल कितनी देर तक रह सकती है या मोमेंटेरी होता है, मीन के बहुत थोड़े टाइम के लिए वो आइडियल सिस्टम में आती है मगर फिर वो फौरन रियल में आ जाती है. तो ये चीज़ आज हमें पढ़नी है. तो इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. इसको डिनोट करते हैं हम z से. z की वैल्यू अगर 1 है तो वो सिस्टम आपका आइडियल है, ठीक है. z की वैल्यू 1 है तो वो सिस्टम आपका क्या है, आइडियल है. अगर z की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है, 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है तो आपका सिस्टम क्या रहेगा, रियल नॉन आइडियल. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो अगर आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो आपके पास मेन चीज क्या है, आपकी जनरल गैस कांस्टेंट है. अगर आप फिक्स्ड वॉल्यूम ले लेते हैं तो पीछे क्या बचता है, प्रेशर एंड टेंपरेचर. तो इसका मतलब है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका किसके साथ, प्रेशर, और इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, टेंपरेचर, टेंपरेचर के साथ. तो अब हमने ये देखना है कि गैसीय सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो आइडियली क्या होना चाहिए कि उसकी जी की वैल्यू 1 होनी चाहिए. अगर उसने 1 से डेविएट कर दिया तो वो सिस्टम आपका नॉन आइडियल हो गया, ठीक है. अब हम इसको ग्राफिकली स्टडी करते हैं. वो क्या है कि हम एक ग्राफ बनाते हैं किसका, जी और पी का. ठीक है एट एनी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सपोज के हम क्या लेते हैं कि एट 300 केल्विन हम लेते हैं, कोई सपोजिंग टेम्परेचर का लेते. अच्छा, अब ये आपने एक लाइन लगाई जहां पे z की वैल्यू 1 है, ये 0 है, ये 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2.0. कर सकते हैं इस तरह z की वैल्यू जब 1 है तो सिस्टम क्या होगा आपका, और वो यूं लाइन आएगी, ठीक. अब हम कोई भी 3, आप फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट गैसेस लेते हैं, उनमें एक H2 गैस है, एक N2 है और थर्ड वन जो है वो CO2 है. कोई भी 3 गैसेस हमने ले ली जो जनरली आपको पता भी है जो एयर के मिक्सचर में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है. अच्छा, अब हमने H2, N2 और CO2 लिया. अब देखा ये गया है कि जो H2 है वो यूं चलती है, ठीक है,
और जो N2 है वो यूं चलती है, और जो CO2 है वो यूं चलती है। बल्कि इसको और ज्यादा अच्छा कर CO2 and और यहां पे आपके पास प्रेशर है, ठीक है, ये आपके पास 200, ये 400, 600, 800 और ये 1000 एटीएम का, ठीक है, प्रेशर एटीएम होता है। अच्छा, ये लाइन का अगर जी की वैल्यू 1 है तो ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या है, 1। जब 1 है तो ये लाइन किसको शो करेगी, आइडियल बिहेवियर, क्लियर। अब बाकी लाइन देखें तो वो क्या कर रही है, सारी डेविएट कर, मगर स्टार कहां से होगी, स्टार कहां पे हो रही है, 1 से। इसका मतलब है कि जब प्रेशर जो है वो बहुत ही लो है, अप्रोचेस टू जीरो, जब प्रेशर बहुत ही लो है तब जो है आपके पास गैस जो है वो किस स्टेट में आती है, रियल सॉरी आइडियल फॉर्म में, कहां पे, जब प्रेशर बहुत ही कम है, क्या जीरो प्रेशर में, ये जब आप क्रिएट करते हैं क्या वो आपका सिस्टम रियल में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे तो आप वैक्यूम जनरेट कर लेते हैं, मगर आप एनवायरनमेंट में इस तरह ऐसा नहीं कर सकते। तो वन की वैल्यू कब है, जब प्रेशर आपको बहुत लो है, मीन के लेस देन 5 के लिए, उससे भी कम है, तो तब जो है वो गैस है, आपकी आइडियल बिहेवियर शो कर। मगर आपने देखा आप 3 डिफरेंट बिहेवियर आपके सामने है, कौन कौन से, एक वो जिसमें प्रेशर बढ़ाने से इक्वेशन स्टेट लाइन जो है स्ट्रेट रही है, ठीक है, विद इंक्रीज इन प्रेशर यू हैव ऑब्टेन्ड अ स्ट्रेट लाइन फॉर H2 गैस। और इसका ये भी मतलब है कि ये हमेशा नॉन आइडियल रही है, मगर इसकी जो जी की वैल्यू है वो 1 से अबव रही है, 1 से अबव रही है, एक तो ये मैंने शो किया। इसका क्या मीनिंग्स है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये अबव क्यों रहती है, या ऐसे कौन से गैसेस हैं जो 1 से ऊपर रह सकती है। सिमिलरली आप N2 पे आ जाए, N2 में क्या है, ये इनिशियली थोड़ा सा इसमें क्या है, डिक्रीज हुआ है, जी की वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, डिक्रीज होके फिर 200 या 180 प्रेशर के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, मगर है ये भी नॉन आइडियल बिहेवियर, ठीक है। आइडियल बिहेवियर कब आया, या तो यहाँ पे या थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, मगर बहुत कम है, वो उसका बिहेवियर जो है वो परमानेंट नहीं है, वो ज्यादा देर वहां पर उसने स्टे नहीं किया, जो थोड़ा सा प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ। सिमिलरली फॉर CO2 गैस यह है कि यहाँ पे जो इसके डिग्रीज है वो और ज्यादा है एज कंपेयर टू N2। अब ये जो नीचे वैल्यू आती है ना, क्योंकि जितनी गैस जी वैल्यू 1 से नीचे होगी, जितनी ज्यादा नीचे होती जाएगी उन गैसेस को कंप्रेस करना या गैसेस को लिक्विफाई करना आसान होता है, ठीक है। किसी चीज को आप गैस से लिक्विड में हम कब पाते हैं, गैस में क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन निकल चलिए, इन केस ऑफ गैसेस क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स फार अवे होते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, या अगर रियल सिस्टम भी है तो फिर भी वो काफी दूर होते हैं। अच्छा, लिक्विड और गैस में क्या फर्क है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस की
as compared to gas, the molecules are much closer to each other than gases. तो फिर क्या होती है, वो चीज लिक्विड बनना शुरू हो जाती है. अगर उससे सॉलिड में जाना है तो आपको और करीब लाना होगा. ठीक है, अब ये क्या चीज है, कंप्रेसिबिलिटी. मीन कि गैस को कंप्रेस कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू जेड से जितनी नीचे, वन से जितनी नीचे होती जाएगी, उन गैसेस को कंप्रेस करना इजी होगा. क्यों? क्योंकि उन गैसेस में जो है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, गैसेस के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है. क्या होना स्ट्रांग शुरू हो जाता है, इंटरेक्शन. मीन के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाना शुरू हो जाता है. ठीक है, अब अगर इन तीनों में से देखें, H2 है, N2 है और CO2 है, तो आपको जहन में कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई है? CO2. वेरी गुड. अब अगर मैं और पीछे बढ़ाता हूँ, हाँ, अब उनके लिए खास टेम्परेचर प्रेशर रखना वो एक अलग बात है कि वो कब, वो भी हम पढ़ेंगे कि कब किस गैस को कितना प्रेशर और टेम्परेचर रखना है तो वो क्या होगी, लिक्विफाई. ठीक है, अच्छा, एक तो ये ग्राफ था, ये भी समझ आया. इसी तरह एक और है, अब तो ये हमने प्रेशर पर निकाल दिया, अब हमने फिर बनाना इसी तरह का है. सपोज कि हम जो गैस लेते हैं उसका हमने जी और प्रेशर का ग्राफ बनाया, मगर इस दफा हमने ये वन है, ऊपर नीचे आपको पता है. ठीक है, वो आप बना सकते हैं. अब हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे बनाना है. सपोज कि मैं N2 को ले लेता हूँ, ठीक है, 300 पे ये इस तरह है. ठीक है, अब कुछ इस तरह जैसे भी ये बताया गया, इस तरह करो. चलो, अब ये मैंने कह दिया कि ये कितने पे है, ये वाली लाइन एट 200 केल्विन कर लो. ठीक है, इस तरह की चीज आपको अच्छा बताना चाह रहा हूँ, होपफुली आप मुझे कर रहे हैं ऐसे कह रहे. और ये है एट 400 केल्विन कर लो, बल्कि 6 कर लो, और ये एट 800 केल्विन कर लो. सही है, अब आप देखें एक ही गैस है, प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं उसी तरह, ये 200 है, ये 400 है, 600 है, 800 है, 1000 है. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने जब 200 किया तो उस वक्त का अंतर आ गई इसकी N2 के फॉर N2, सिर्फ हमने ये वाली क्या ब्लैक वाली यहाँ पे सेलेक्ट की, बाकी कुछ छोड़ दिया. फिर आपने यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका ये जो डिक्रीज है ये कम हो गया, कम हुआ ना इस ग्राफ में जो आपको नजर आ रहा है. मीन कि ये इसमें यहाँ पर भी लिख सकता, ये आपकी कर्व है 200 केल्विन पे, ये कर्व है 600 केल्विन पे, और ये कर्व है 800 केल्विन. अब तो और तो ये हो गया. ठीक, अब इस कर्व में क्या डिफरेंस है दोनों का, टेम्परेचर जब इंक्रीज किया तो ये जो नीचे आने का उसका बिहेवियर है वो रिड्यूस होता है, नीचे आने का बिहेवियर रिड्यूस होता है. इट मींस कि अगर आप 800 केल्विन पे काम करते हैं तो उसी गैस को 800 केल्विन पे कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा. अगर हम उसी गैस को 200 पे ले जाएं, 200 पे रिलेटिवली इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू 800. तो 800 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे गैस जो है, जब टेम्परेचर, अगर आप आइडियल गैस बनाना चाहते हैं उसको, या आइडियल कंडीशन में बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा, 200 पे यहाँ पे आइए, इधर देखिए, 600 पे यहाँ पे आइए, 800 पे ऊपर चली गई, इसका मतलब है कि कोई और टेम्परेचर होगा शायद इसके और करीब आ जाए लाइन के, है ना, लाइन के करीब आ जाए. और आपने ये भी देखा है कि हाई प्रेशर पे जाकर जब बहुत दूर चले जाते हैं,
हाई प्रेशर पे तो वैसे ही ऊपर चले गए या बहुत ही उसमें से आगे चले गए, तो कंडीशन ये हुई कि आप यकीन अगर इस केस में आप देखते हैं तो प्रेशर आपने लो रखना है, टेम्परेचर हाई रखना है, तो गैस क्या हो तो बोलना शुरू हो जाएगी हाई डी। अब आप मैथमेटिकल रिलेशन के तौर पर प्रेशर आपने लो रखना है, टेम्परेचर हाई रखना है, तो क्या होगा कि जी की वैल्यू मान के करीब आना शुरू हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं ठीक है, तो फिर प्रेशर उस हिसाब से लेके चलना होगा। अब आप जरा जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ आए, एक गैस है, आइडियल गैस के आपके पास क्या परसेप्शन आई, तो आइडियल गैस में टू पैरामीटर्स को आपने ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मस्ट बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और रियल गैस में क्या होता है कि वो उतने फार अवे नहीं रहते। अब अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने फार अवे करना हो, रियल सिस्टम है उसमें गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब है, आपने उसको आइडियल में लेके जाना है। आइडियल में क्या है बेटा कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होने चाहिए, मगर आपके पास है रियल सिस्टम उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली क्लोजर है, अब आप उनको ज़रा दूर करना चाहते हैं, यही मकसद है ना, तो कैसे करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा दूर दूर मूव, दूर दूर बढ़ना शुरू हो जाए। दूसरा साथ में आप प्रेशर रिड्यूस करते हैं, मसलन एक क्लास में है आप इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया हुआ है, आप तभी भी गैस के मॉलिक्यूल्स करीब में, मसलन अगर रश हो गए तो आप करीब करीब बैठे, रश में प्रेशर अगर उसको रश को कम कर दें तो आप थोड़ा दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो टेक्निकली भी ये बात आपको प्रूफ मिलता है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोजर है और उनको आपने फॉर्मूले में आइडियल व्हाट विल यू डू, यू नीड टू रिड्यूस द प्रेशर और इंक्रीज द टेम्परेचर, रिड्यूस द प्रेशर इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है और यहाँ पे भी ये पता चल रहा है कि प्रेशर जब रिड्यूस होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप गैसेज को जो है वो आइडियलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, मगर वहाँ पे भी इशू है कि एग्जैक्ट आइडियल कब होता है, ऊपर कब जाता है, नीचे कब आता है, तो इसमें भी थोड़े से इनको लॉज हैं, नियम आगे पड़ेंगे ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, गैसेस कब आइडियल होती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और रियल कब होती है, अब जब उनका टेम्परेचर बेटा आपने हाई कर दिया तो हमने काइनेटिक वाली जो थ्योरी आपने पढ़ा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके रिलेशन के ऊपर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द केल्विन टेम्परेचर, ये पढ़ा है ना हमने 6th पॉइंट था उसका कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम ये कंसीडर करते हैं कि उस वक्त जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट उन सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको अब ये क्वेश्चन आता है या एमसीक्यूज है कि हाउ विल यू मेक अ रियल सिस्टम ऑफ गैसेस इनटू आइडियल सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यू राइट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ठीक है, यू कैन गेट अ एन आइडियल सिस्टम ठीक है। बात करें तो मेन फैक्टर उसमें क्या है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन ठीक है। अगर वो आपसे ग्रेटर है या लेस है तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन रियल ठीक है, नॉन आइडियल। तो जितना वो नीचे चला जाता जाएगा इसका मतलब है कि वो जो नीचे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आया, वैसे नीचे आने की क्या वजह हो सकती है, अगर आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखें, अब इस सिचुएशन को देख ग्राफ को देखें और इस सिचुएशन को देखें, सर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना, हाँ टेम्परेचर आपने कॉन्स्टेंट, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर दिया हाँ, तो सर वो ठीक है ना, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे,
मॉलिक्यूल करीब आ जाएगी, करीब आने से एक और फैक्टर कम हो जाएगा, वो क्या वॉल्यूम। ठीक है, जब वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्यों कम होगा, अगर वो मॉलिक्यूल से तो रिपेल करेगा तो कभी कम नहीं होगा। वॉल्यूम वो वॉल्यूम क्यों कम होगा, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ इसका मतलब है कि ये फैक्टर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा ओवरऑल प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है ये भी कम, तो ओवरऑल जो है ये फैक्टर आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब रिड्यूस होगा तो जेड की वैल्यू 1 से कम होना शुरू हो जाएगी, जब जेड की वैल्यू 1 से कम होगी तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपने सोच के आना है कल नेक्स्ट क्लास में, अगर तो आपने सोचा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप उसकी रीजन को ढूंढ रहे हैं कि साथ तो कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रेशर हम मजीद बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो फिर और रिड्यूस तो जाने की वैल्यू तो उससे भी कम होनी चाहिए, मगर हमारे केस में क्या हो गया कि जब हमने एक फास्ट प्रेशर से आगे गए हैं आपको वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है तो फिर सेल की वैल्यू बढ़ क्यों गई। क्वेश्चन समझ आ गया जी सर, हम कह रहे हैं कि जेड ये फैक्टर 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से कम तो हुआ मगर फिर एक फास्ट प्रेशर के बाद ये जेड की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, तो ऐसा क्या वजह बने कि जेड की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। सर ये एक दफा फिर से सर, एक खास प्रेशर के बाद हो सकता है मॉलिक्यूल्स रिपेल करने लग जाए। शाबाश, और कोई ऑप्शन? क्वेश्चन ये है कि हमने कहा कि पी ओवर आर टी की वैल्यू अगर जेड से वन इक्वल है तो आइडियल, वन से नीचे जा रही है ऊपर जा रही है नॉन आइडियल। हमने ये बात की कि जब वैल्यू वन से नीचे कब हो सकती है, जब आपके ये फैक्टर कम होना शुरू हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया, मगर हम प्रेशर तो बढ़ाते जा रहे हैं उसी रेशियो से वैल्यू कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू और लेस होनी चाहिए है ना, मगर इस टेम्परेचर के बाद जेड की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गई, ये पूछना आपसे ये क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, तो इसको आपने बेटा देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आपने कैसे सेट करना है और उससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है।